चौमू से विधानसभा क्षेत्र से विधायक जी जुड़े हैं रामलाल शर्मा जी, तो सर क्या कुछ कहना है इस बार बीजेपी के लिए? चुनावी माहौल है जो बड़ा ही तेज तर्रार वाला है, इस बार कड़ा मुकाबला है क्योंकि मुख्यमंत्री साहब योजना का जो भंडार है वो है, लेकिन बीजेपी की पकड़ है क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, काफ़ी कुछ उठा रही है, तो क्या कुछ लगता है इस बार बीजेपी आएगी या क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, राजस्थान के 2023 में होने वाले चुनावों के चार आधार ऐसे हैं जो चारों आधार हमारे पक्ष में है। पहला आधार ये कि पिछली बार हमारी सरकार थी एंटी इनकमेंसी हमारे खिलाफ थी, अब की बार एंटी इनकमेंसी हमारे खिलाफ नहीं है, नंबर एक। पिछली बार गुर्जर समाज ये देख रहा था कि सचिन पायलट हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी ने नो टिकट गुर्जर समाज को दिए, नो के नो हमारे उम्मीदवार चुनाव आ रहे, वो सिर्फ इसलिए आ रहे कि क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। अब की बार गुर्जर समाज पूर्ण रूप से कांग्रेस से नाराज है। दो, तीसरा, 2 अप्रैल का जो घटनाक्रम था उसको लेकर भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में काफ़ी नाराजगी थी, अब की बार वो नाराजगी उन लोगों के अंदर नहीं है, नंबर तीन। और चौथी, कि हमारे कार्यकर्ता जो हमारी सरकार थी, सरकार नहीं होने की वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, अब वो नाराजगी कार्यकर्ताओं में नहीं है, कार्यकर्ता 5 साल से दुखी रहें, परेशान रहें, पीड़ित रहें, तो अब वो सारे के सारे कार्यकर्ता इस मन और मस्तिष्क के साथ काम कर रहे हैं कि हमें सरकार लानी है। चौमू विधानसभा क्षेत्र से आप भी प्रत्याशी दावेदारी अपनी कर रही हैं, कांग्रेस की स्थिति इस बार हम देखें तो पिछले 4 चुनावों की अगर हम बात करें कि 3 बार बीजेपी ने अपनी जीत है वो हासिल करी है, रामलाल शर्मा इस बार वर्तमान विधायक है, ग्रामीण की समस्याओं को आप समझती होंगी, आप जाती भी होंगी, लेकिन कांग्रेस को इस बार मजबूती देना बेहद ज़रूरी हो गया है आपको, तो किस तरह से आप इस बार चौमू में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगी? देखिए, पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपके चैनल और आपके व्यूअर्स को, बहुत अच्छा सवाल है। वैसे आप देखें तो चौमू विधानसभा कांग्रेस की सीट है, कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं, कुछ कार्यकर्ता हमारे नाराज़ हैं, कुछ लोग नाराज़ थे, और कहीं ना कहीं इस सीट को समझने की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्ग कास्टगार है, बहुत ज़्यादा 80% एरिया ग्रामीण क्षेत्र में आता है, और स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं मिसप्लेस्ड दिखी पिछले इलेक्शन में, तो एक बेहतरीन कांग्रेस सीट को हम इसलिए गवा देते हैं, कैंडिडेट के लिए तो नहीं कहूँगी, हमारे साथी हैं भगवान साय जी, बट कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट ऑफ वोट बैंक हमारा रहता है, बहुत पॉसिबिलिटी है, और आप जिस तरह से देख रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स चौमू में अभी दिखने हुए, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये है, और आप पिछले 10 साल का कार्यकाल देख ली बीजेपी का, यहाँ पे 0% काम हुआ है, उन्होंने लगभग 4.5 साल तो गायब रहे, अभी से आने लगे, तो कहीं ना कोई काम ही नहीं किया है, जनता समझ गई है कि ये फालतू की थप्पी नेता बनने से काम नहीं चलेगा, और कहीं धरातल पे काम करने की ज़रूरत है, काम हुए नहीं हैं, जो भी जनता ने चाहे, जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, एक भी काम धरातल पे हुआ नहीं, इस बार 100% चौमू विधानसभा की सीट कांग्रेस को अर्पण समर्पण करेगी जनता। जी, कांग्रेस ने 2018 के अंदर बड़े बड़े वादे किए, वो वादे आज धरातल के ऊपर नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा के अंदर 5 बजट पेश किए, 5 बजट आज भी 50% भी धरातल के ऊपर नहीं है। पेपर लीक बड़ा मामला है, लाखों परिवारों के साथ धोखा करने का काम सरकार ने किया है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार के मामले हैं जो काफ़ी कुछ उठ रहे हैं प्रदेश भर में, लेकिन हम दूसरी हम बात करें कि 50 जिलों की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री साहब ने, अब ग्रामीण जो चौमू है, ग्रामीण जयपुर जिले में है, वो आ ही चुका है, इस पर क्या कुछ सौगात रहेंगी? देखिए, हमारा जिला राजस्थान में बढ़ने से चौमू विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि पहले भी हमारा जिला कलेक्ट्रेट जयपुर ही था, अभी भी जिला कलेक्ट्रेट जयपुर ही है, पहले भी सब लोगों को जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन बड़े मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ 2 बार चौमू पधारे, दोनों बार घोषणा करके गए कि चौमू की जनता को 20 लीटर का पानी हम पिलाएंगे, वो आज दिन तक पानी नहीं पिलाया। नगर पालिका क्षेत्र पूर्ण रूप से ड्राई क्षेत्र हो चुका है, पीने के पानी का संकट बढ़ा है, लोग 500-600 रुपये में टैंकर मंगा के पीने का पानी पी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 2018 में गोविंदगढ़ आए थे, घोषणा करके गए थे कि मेट्रो ट्रेन गोविंदगढ़ तक हम चलाएंगे, मेट्रो ट्रेन तो दूर की बात है, DPR बनाना भी
इन्होंने उचित नहीं समझा, तो मुख्यमंत्री की घोषणा ही धरातल के ऊपर नहीं है तो फिर। अब आप भी ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और कांग्रेस का हर एक प्रत्याशी, हर एक कार्यकर्ता योजनाओं का बखान है करता हुआ नजर आता है, बहुत सारी योजनाओं का भंडार लेकर आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, तो आपको क्या लगता है आपके क्या मुद्दे रहेंगे चोमू के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा, पहले तो आपने योजनाओं की बात कर ले, मुझे लगता है कि भारत की सबसे बेहतरीन योजनाएं राजस्थान में आई हैं। अभी कल ही में अन्नपूर्णा किट बांटे हैं हमने महिलाओं का, स्पेशली जो इम्पैक्ट है कांग्रेस की तरफ वो काफ़ी पॉजिटिव है। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन जो लेके आए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट वो बेहतरीन है। चिरंजीवी योजना जो 10 लाख से 25 लाख हुई है, बिलों में जो बेहतर माफ़ी सरचार्ज माफ़ किया है, 750 पेंशन अभी 1000 हुई है, तो कहीं ना कहीं जो ये फ़ायदा हर घर लास्ट छोर तक लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, स्पेशली महिलाओं को जो फ़ायदा मिल रहा है, तो वो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और डेफिनेटली कांग्रेस गवर्नमेंट वापस बन रही है। चोमू की आप बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे क्षेत्र में पानी की है, तो यहाँ पे टंकियाँ बन जाती हैं, पाइपलाइन बन जाती है, पर कोई भी यहाँ के स्थानीय MLA कभी ये चर्चा नहीं करें कि उस जगह पे उस टंकियों में पाइपलाइन में पानी कहाँ से आएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज ही ट्वीट किया है कि बांध कौन सा है, रामगढ़ बांध को भरा जाएगा और उस बांध से गोविंदगढ़ में पानी आएगा, तो गोविंदगढ़ वाला पूरा हमारा क्षेत्र को पानी मिलेगा, जो हमारे आने वाले चुनाव के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। प्लस हरमाड़ा तक और डूंगरी तक बिसलपुर का पानी आ गया है, तो वो ही 30 किलोमीटर्स ही हमें आगे पाइपलाइन लाने के, तो चोमू शहर को भी पानी मिल सकता है। तो अगर ये दोनों योजनाएं सफल हो हम कर पाए, इनफैक्ट हम करेंगे, तो विधानसभा में आई थिंक खुशी की लहर आएगी, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, खुली नालियां भी हैं, कहीं बसों की भी समस्या है, तो एक नोटेड सारे हर गांव वाइज हमने प्लान बनाया है, तो मुझे अगर मौका मिलेगा तो वी एबल टू डू ऑल दिस। बिल्कुल, हमने हाल जाना है स्थानीय लोगों से, वहाँ पे तो बस स्टैंड पे गाड़ियाँ भी हैं जो नहीं रुकती हैं, ऐसी कुछ समस्या है, लेकिन आपको भी काफ़ी कुछ समय हो गया है, तो आपने क्या पानी की समस्या का निवारण करवाया है क्या? देखिए 2013 में जब मैं विधायक दोबारा बना था तो हमें लग गया था कि चोमू में भीषण समस्या पीने के पानी की आएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण पीने के पानी के लिए पैसे नहीं देते, वो सड़क के लिए देते हैं, गार्डन डेवलपमेंट के देते हैं, पानी की ड्रेनेज के लिए वो पैसा देते हैं, लेकिन शिखर अग्रवाल उस समय जयपुर JDA के कमिश्नर थे, उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करके और हमने 36 करोड़ रुपए की पेयजल योजना बनाई। पास में 15 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ गाँव है, बलेखंड है, वहाँ से हम पानी लेके आए। यहाँ कालाडरा रोड के ऊपर गुवारडी जयसिंहपुर है, वहाँ से हम पानी लेके आए। 6 बड़ी टंकियाँ चोमू नगर पालिका क्षेत्र में हमने बनाई और लगभग 24 ट्यूबवेल हमने वहाँ खुदवाए। 7-8 साल जो निकले हैं वो उसी पेयजल योजना की वजह से निकले, नहीं तो 2014-15 के अंदर ही स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। चोमू भी अब ग्रामीण, जैसे कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, अब 50 जिले होंगे राजस्थान में, अब चोमू भी है ग्रामीण जिले में, अब आ ही चुका है, तो आप इसको किस विजन से आप देखती हैं, क्या कुछ फायदे होंगे, क्या कुछ नुकसान होंगे, चोमू की जनता से आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं नहीं बहुत बहुत महत्वपूर्ण फायदे होंगे, क्योंकि जब एक जिला परिषद बन जाता है, एक जिला बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा फंड आता है, फंड आप रास्तों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, बेहतर रास्ते बनेंगे, पानी की सुविधाएं आएंगी, जब बेहतर पैसा आता है तो डेफिनेटली एरिया आगे बढ़ता है, और ये हमारे चोमू विधानसभा के लिए बहुत ही बेहतरीन सौगात है मुख्यमंत्री जी की तरफ से। जितनी आपकी पकड़ है मजबूती, जो हमने भी जानी है स्थानीय लोगों से, तो अब आपका कॉम्पिटिटर है जो भगवान सिंह सैनी जी को तो मान ही नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 10 साल से तैयारी और अपनी जीत का दावा ठोक रही है रुक्मणी कुमारी जी, तो आपको क्या लगता है किस तरह से कॉम्पिटिशन रहेगा इस बार? देखिए मैं ये कहता हूँ कि चोमू की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय करती है। चोमू की जनता जिस तरीके से, मैं मानता हूँ, जनता क्या माने या नहीं माने, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चोमू की जनता
ने पिछले 2003 से पहले एमएलए से मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। यहाँ से फिर जयपुर जाते, मध्यस्थ पकड़ते, मुलाकात होती, सुनवाई नहीं होती थी। 2003 के बाद में जिस तरीके से लोगों को एक आदत पड़ जाती है, तो वो आदत पड़ चुकी है कि इनको स्थानीय चाहिए, घर का चाहिए, मिलनसार चाहिए, इनके बीच में बैठने वाला चाहिए, हमेशा कोई भी छोटा कार्यक्रम हो उसमें उपस्थिति चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि चमो की जनता इस तरीके से बाहरी व्यक्ति को कोई मौका देगी। और दूसरी, कांग्रेस के अन्य नेता भी हैं, मैंने सार्वजनिक मंचों से भी कहा है कि यदि आप कांग्रेस के नेता हैं, आप अपनी 5 साल की एक उपलब्धि बता दो, जो भी उम्मीदवार हैं, कि साहब मैंने कांग्रेस की सरकार रहते हुए एक काम कराया, अगर 100 मीटर सड़क भी आपके प्रयासों से बनाई तो आप बता दें। जी, मेरा सवाल रुक्मणी कुमारी पर था कि उनकी पकड़ है वो मजबूत होती जा रही है, पिछले 10 साल से तैयारी कर रही हैं। देखिए रुक्मणी जी, अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र से तैयारी करती है तो शायद हो सकता है उनके पार पड़ सकती थी। ये ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर आदमी ये चाहता है कि हमारा जो नेता हो या हमारा जो जनप्रतिनिधि हो उसके बीच में गैप नहीं चाहते। तो एक बड़ा गैप पब्लिक को दिखाई देता है। और मुझे दूसरी बात ये लगती है कि जिस तरीके का यहाँ के लोगों का मेंटलिटी है या यहाँ के लोगों के विचार है, वो विचार ये है कि ऐसा व्यक्ति इनको चाहिए कि घर के अंदर अगर कोई जनप्रतिनिधि खाना भी खा रहा है तो उसके पास जाकर बैठ जाए तो उनको हिचक नहीं हो इस बात की कि हम कहाँ आकर बैठ गए। तो इतनी आत्मीयता के संबंध मुझे नहीं लगता कि वो बना पाएंगे। प्रयास वो कर रहे हैं, करना भी चाहिए राजनीति के अंदर प्रयास। बाकी पहली तो लड़ाई उनको उनकी पार्टी टिकट देती है नहीं देती है, फिर उसके बाद में दूसरी लड़ाई जनता के बीच में होगी। कास्ट फैक्टर को कैसे संभालेंगी, क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या इस बार कास्ट फैक्टर को आप संभाल पाएंगी? क्योंकि सैनी जी की हम बात करें, आप ही के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो किस प्रकार से इस बार, क्योंकि व्यक्तित्व, क्योंकि हम जैसे ग्रामीण लोगों से मिले हैं तो उनका व्यक्तित्व का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है, तो इस बार आप किस तरह संभालेंगी? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि ये 100% कांग्रेस की सीट है। 60 से 65,000 SC ST और माइनॉरिटी की वोट्स हमारे विधानसभा में हैं, और ये रूरल अर्बन सीट है। तो जो अर्बन का वोटर है हमेशा विकास के लिए वोट करेगा। तो 60-65,000 जो अर्बन का वोटर है वो ऐसा कैंडिडेट चाहता है जो यहाँ पे सुविधाएं ला सके। सो मुझे नहीं लगता है कि इतना कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर करेगा। अगर रामलाल देखी तो रामलाल जी के, उनकी कम्युनिटी के 3,500-4,000 वोटर्स हैं, फिर भी वो MLA बन जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि चोमू विधानसभा में कास्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। मुझे लगता है इस बार चोमू की जनता ठान चुकी है कि वो परिवर्तन करना चाहती है। तो एक बेहतरीन कैंडिडेट अगर उनके सामने होगा जिसका विजन क्लियर है, जो जनता को समर्पित अर्पण कार्य करना चाहता है, वो कैंडिडेट को मुझे पूरा विश्वास है कि चोमू की जनता आशीर्वाद देगी। देखिए, हम बिल्कुल आपकी मजबूत है जो पकड़ आप बता रहे हैं, तो क्या आपको लगता है BJP को फिर से चोमू में आप है जो स्थापित कर पाएंगे और आप चोमू का जो मुस्तकबिल है वो आप बन पाएंगे? देखिए, राजनीति समय की होती है, राजनीति परिस्थिति की होती है, और इंसान के हाथ में कर्म है और हम कर्म के अंदर कोई कमी नहीं रखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, 101% भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चमोई में नहीं राजस्थान के अंदर कमल खिलाएगी। कांग्रेस है बड़ी ही बिखरी हुई नज़र आ रही थी, काफ़ी चर्चाएं भी चली थी सचिन पायलट के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में जो भी आनाकानी रही है, लेकिन अब मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। वॉर रूम में मीटिंग भी चली, घंटे भर मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बाहर आते हैं और उनका यही कहना है कि सेप्टेम्बर के लास्ट वीक में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में टिकट वितरण का और जो भी सूची है वो सामने आ जाएगी। इस बार आप अपने आप को कितनी मजबूती में देखती हूँ? मुझे पूरा विश्वास है, बहुत 10 साल से हमने कार्य किया है और इस विधानसभा को, मैंने आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहला कहा कि BJP के कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं 10 साल इस विधानसभा में काम करके कांग्रेस को मजबूत किया है। हमारे बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, सखी संवाद चल रहा है, घर घर कांग्रेस चल रहा है, कि हर ये पूरे क्षेत्र में हम कैसे कांग्रेस को मजबूत कर पाए। रही बात मेरे कैंडिडेचर की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं यहाँ से बहुत अच्छे मतों से इलेक्शन जीतूंगी। ठीक है, मेरे 2 सवाल और हैं। एक हम युवाओं की तरफ से सवाल लेते हैं क्योंकि आप भी एक युवा हैं, किस तरह युवाओं का आप संदेश देंगे? दूसरा मेरा सवाल है महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधाएँ और क्या कुछ नई रणनीतियाँ आपकी रहेंगी?
देखिए, यूथ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोज़गारी है। उस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डेवलप हो रहे हैं, हमारे जैतपुरा के अंदर है, कालाडरा में है, मंडा में है, इधर हमारे SNG गोविंदगढ़ के अंदर डेवलप हुई है, उधर हमारे जाटावाली ग्राम पंचायत में डेवलप हुए हैं। तो हम कोशिश करें कि जो जो इंडस्ट्रियाँ अच्छी है, बड़ी है, लिमिटेड है, उनके अंदर उनको जॉब दिलाने का काम करें। दूसरा, हमारे यहाँ एजुकेशन सेंटर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी डेवलप हुए हैं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर उनकी फ़ीस जमा करा के उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। महिलाओं के लिए रोज़गार जनरेट करने के लिए कुछ हमने मेले भी यहाँ आयोजित किए हैं। कुछ महिलाओं को रोज़गार देने के लिए बाहर से जो कंपनी आती है उनसे भी हम टाइप कराते हैं। तो आने वाले समय के अंदर युवा और महिला ये दोनों आगे बढ़ सके, उसके लिए प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे युवाओं में। जितना भी मेरा संवाद हमारे युवाओं में होता है तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उद्योग आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चोमू के आसपास, बिकॉज जयपुर से बहुत सटीक, बहुत पास में है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ सकती, पर मैंने देखा है कि यहाँ की रोज़गार यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। तो हमें एक कैंपेन और हमें एक प्लान लेके आना पड़ेगा कि हमारे युवाओं को, लोकल युवाओं को, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे कैसे जॉब्स दिला सकें, उनके लिए जॉब्स फेयर लगाएं, उनको एडवाइस करें। बिकॉज जो भी युवाओं से मिलती हूँ वो बोलते हैं हम तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें उनको एक दिशा और राह दिखाने की ज़रूरत है। बड़ा मुद्दा पीने के पानी का है, दूसरा मुद्दा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों को सरकार बड़े बड़े वादे इस बात के करती है कि बहुत काम कम कर रहे हैं, लेकिन आज भी राजस्थान के अंदर यहाँ बाजरा अधिक मात्रा के अंदर उत्पादन होता है। बाजरे की एक बोरी भी कांग्रेस सरकार ने खरीदने की समर्थन मूल्य के ऊपर। दूसरा, कांग्रेस के शासनकाल के अंदर शीतलहर से, ओलावृष्टि से नुकसान काफ़ी हुआ, गिरदावरी तक कराना भी कांग्रेस ने मुनासिब नहीं समझा, तो ये किसानों के मन में ज़्यादा पीड़ा है। हम आने वाले समय में BJP की सरकार बनने के बाद में जो फॉरम पॉन्ड की स्कीम है उसको अधिक से अधिक धरातल के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि पानी की बड़ी किल्लत है। ड्रिप इरिगेशन को भी हम बढ़ावा देंगे और किसानों की पैदावार को उचित मार्केट मिल सके उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप खुद एक महिला हैं, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस बार अगर महिला प्रत्याशी अगर चोमू में आती है तो क्या एक नई सौगात मिलेगी चोमू की महिलाओं को? बिल्कुल मिलेगी साहब। हमारे तो मैंने आपको कहा कि रूरल अर्बन सीटें, जितना भी मैं जाती हूँ गाँव में, सबसे ज़्यादा काम हमारी महिलाएं कर रही हैं। खेती हो, गाय भैंसों में दूध का हो, खेत सब्जियों का काम हो, फूलों का काम हो, सारी महिलाएं कर रही हैं, घर भी वही संभाल रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में मुझे पहली बार, मतलब जब से मैंने सखी संवाद शुरू किया है, मुझे ये लग रहा है कि महिलाएं बहुत बड़ा परसेंटेज हैं जो निर्णायक बन सकते हैं। तो हमारा पहला निर्णय ये रहा है कि हम महिलाओं को टच बेस करते हैं, और काफ़ी समस्याएं हैं, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल समस्या नहीं हमारी महिलाओं को, तो मैं उनको सुनती हूँ और उनकी समस्याओं को हम लोग नोट करते हैं और वन बाय वन कोशिश करते हैं कि हमारे लेवल पे हम कैसे उनकी मदद कर पाएँ। तो महिलाएं तो बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं छूट जाता है। हमें उन हमारी महिलाओं के लिए एवरीडे कार्य करने की ज़रूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये कर पा रहे हैं और करते रहेंगे। ये थी हमारे साथ रुक्मिणी कुमारी, जिनके कुछ नए प्लान्स हैं चोमू को लेकर, कुछ नई रणनीति हैं, और क्या कुछ इनके, क्या चोमू की जनता इनको मुस्तकबिल चुनेंगी या फिर क्या कुछ जनता का कहना है, हम आगे भी जानेंगे। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।